मथुरा भाजपा 2019 में मथुरा से किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इसे लेकर लोगों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं सोमवार को मथुरा में सांसद हेमा ने एक बार फिर कहा कि वे 2019 में मथुरा से चुनाव लड़ेंगी। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी द्वारा निर्णय लेने की बात भी कही। अपने कार्यकाल के दौरान मथुरा में तमाम विकास कार्य कराए, जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए मथुरा पहुंची सांसद हेमा मालिनी ने कलेक्ट्रेट सभागार में विधायकों और अधिकारियों संग मीटिंग ली। सांसद ने तमाम विकास कार्यों की धीमी गति को लेकर अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की। मीडिया से बातचीत के दौरान हेमा ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मथुरा में तमाम विकास कार्य कराए हैं। जब उनसे पूछा गया कि जिले में कराए गए विकास से वे खुद कितनी संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ काम मथुरा में किया है और मैं खुश हुए। उन्होंने कहा कि 2014 में पहली बार जब मथुरा आए और गांव-गांव गए तो खराब रास्तों के कारण बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन अब गांवों के रोड बहुत अच्छे हो गए हैं। साथ ही कहा कि हो सकता है कि कुछ रोड रह गए हों, वो भी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि कुछ काम जो नहीं हुआ है वो इसलिए नहीं हुआ कि सांसद निधि से हम नहीं कर सकते। 2019 में मथुरा से दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर हेमा ने कहा कि चुनाव लड़ूंगी, क्यों नहीं लड़ेंगे। हालांकि अगले ही पल उन्होंने कहा कि पार्टी अगर निर्णय करेगी तब देखेंगे। द सेम क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि ये सबको उम्मीद है जो यहाँ पर है कि शायद आप दोबारा से फिर एक बार जनता के बीच में जाएंगी, यू विल बी द कैंडिडेट फ्रॉम बीजेपी इन मथुरा, तो क्या चीजें हैं जो आप प्राउडली बता पाएंगी और किन चीजों पर जनता जब पूछेगी तो आपको कहना पड़ेगा कि सॉरी ये नहीं यहाँ पे। देखिए, जो गांव गांव में जो रोड्स थे, जब हम पहले बार चुनाव में आए थे तो बहुत मुश्किल होता था मुझे पहुंचने में। अभी आप शायद ही आप लोग कोई गांव गांव में जाते होंगे, जितना मैं जाती हूँ उतना तो आप लोग नहीं जाते हैं। मैं हर वक्त हर जब भी मैं आती हूँ पूरा डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में पूरा क्षेत्र में मैं जाती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि रोड्स आर वेरी गुड। सो एवरी टाइम आई गो मैं हमेशा पूछती हूँ जनरल जनित से कि ये रोड किसने बनाया, हमारे बनाए हुए। सो एवरीथिंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग इज डन, मे बी कुछ रोड रह गए होंगे, वो भी काफ़ी हमारा प्रपोजल्स गए हैं और फंड्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी काम हो रहा है। और कई लोग बोलते हैं कि कुछ काम जो नहीं हुआ है ये इसीलिए कि हमारे सांसद निधि से हम नहीं कर सकते हैं। दिस मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड, वो कहते हैं हमारा काम ये क्यों नहीं हुआ है, लाइक दैट आर्मी वालों के लिए कुछ गेट वगैरह चाहिए, दैट आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू यूज माई एमपी फंड फॉर दिस पर्पज, लाइक दैट देर आर मेनी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। सो वो काम नहीं हुआ होगा जिसके लिए हमें आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ दूसरा कहीं से फंड ला के करने की। जैसा हमने रेखा जी जो हमारी फ्रेंड है उनका फंड लेकर आके हमने काफी काम करने का कोशिश किया भी है, लेकिन कुछ कुछ फंड किसी लोगों ने नहीं करवाया, जो उसके लिए मुझे बड़ा दुख होता है। हमें सवाल यार मथुरा से दोबारा चुनाव लड़ेंगे लोकसभा सीट से, लड़ेंगे ना, क्यों नहीं लड़ेंगे। जो भी अभी तक जो भी विकास कार्य हुए हैं, ये तो पॉलिटिकल चीजों विकास पे बात, विकास कार्य हुए क्या उनसे संतुष्ट हैं आप? चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं सांसद जी, जो भी विकास कहा इन्होंने, पार्टी अगर निर्णय करेगी तब करेंगे। जो भी विकास कार्य आपकी वैसे इच्छा क्या है मथुरा से दोबारा लड़ने की, आपकी इच्छा है? जो भी विकास कार्य हुए उनसे संतुष्ट हैं आप सांसद जी? मैडम रावल काम की व्यवस्था हो गई है, हम चाहेंगे बहुत कुछ।